आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर परंपरा, लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं सुपरिचित शास्त्रीय गायक डॉक्टर विद्याधर व्यास। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने अपनी दूरदृष्टि से भारतीय संगीत संस्कृति का मानो पुनरुज्जीवन किया। हमारी संस्कृति जो हमारे संगीत का आधार है और हमारा संगीत जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, इनका परस्पर संबंध उजागर करते हुए समाज के सामने रखने का बहुत बड़ा कार्य पंडित पलुस्कर जी ने किया। इनके इस कार्य और उनका आदर करने की दृष्टि से ही पंडित पलुस्कर जी को संगीत महर्षि कहा जाता है। पंडित पलुस्कर जी के कार्य की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने इस कार्य को आगे चलाए रखने के लिए अपने समूचे मार्गदर्शन में प्रशिक्षित शिष्यों का बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया। अपने शिष्यों को उन्होंने संगीत के समस्त अंगों की शिक्षा दी। उनका यह मानना था कि संगीत समाज में एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यवसाय है जैसा अन्य कोई, और संगीतकारों को समाज में वैसी ही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जैसी अन्य सम्मान प्राप्त व्यावसायिकों को मिलती है। पंडित पलुस्कर जी ने इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए अपने शिष्यों को सामाजिक जिम्मेवारी की शिक्षा दी। अपने शिष्यों के जरिए समाज मान्यता प्राप्त संगीत प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। पंडित विष्णु अण्णा जी कशाळकर, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे, पंडित शंकरराव व्यास, पंडित बी आर देवधर, पंडित वामनराव उपाध्याय, पंडित शंकरराव बोडस, पंडित गोपालराव जोशी, पंडित शंकरराव गद्रे, पंडित जनार्दन पेठे, पंडित वामनराव ठकार, पंडित सदाशिवराव आपटे, पंडित लक्ष्मणराव बोडस, पंडित रामकृष्ण जोशी आदि पंडित पलुस्कर जी के कई प्रतिष्ठा प्राप्त शिष्यों के नाम सहज स्मरण हो जाते हैं। गायन के साथ वाद्य वादन की शिक्षा भी उन्होंने अपने शिष्यों को दी। प्रस्तुत है पंडित पलुस्कर जी के शिष्यों का वाद्य वृंद प्रदर्शन। प्रमुख वादक है पंडित शंकरराव व्यास और पंडित नारायणराव व्यास। राग है काफी। पंडित पलुस्कर जी के समाज के प्रति जागरूकता इस बात से देखी जा सकती है कि उनका महात्मा गांधी जी के साथ स्नेह था और दोनों में परस्पर आदर था। गांधी जी की विनंती पर उन्होंने अपने शिष्य पंडित नारायण मोरेश्वर खरे जी को साबरमती आश्रम में संगीत शिक्षक के रूप में भेजा। गांधी जी की प्रिय प्रार्थना वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसको पंडित पलुस्कर जी के प्रिय शिष्य पंडित शंकरराव व्यास जी ने राग तालबद्ध किया।
उन्हीं की आवाज में प्रस्तुत है यही प्रार्थना राग खमाज में। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने दे, पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान आने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई सकल लोक सहुने वंदे, सकल लोक सहुने वंदे, निंदा न करे रे वाच काश मन निश्चल राखे, वाच काश मन निश्चल राखे, धन धन जननी वैष्णव जन तो कहिए सम दृष्टि ने कृष्णा त्यागी, सम दृष्टि ने कृष्णा त्यागी, बरसी जे ने मात रे जिह्वात की असत्य न बोले, जिह्वात की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने दे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए मोह माया व्यापे नहीं जे ने, मोह माया व्यापे नहीं जे ने, दृढ़ वैराग्य जेना रमारे, राम नाम छू साड़ी लागी, राम नाम छू साड़ी लागी, सकल तीर्थ तेना तनवा दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराजी जाने रे, पीड़ पराजी जाने रे, पीड़ पराजी जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए बन लोभी ने कपट रहित छे, काम को निवारा भणे नरसैयों से दर्शन करता, भणे नरसैयों से दर्शन करता, फूल के को तेरे तारा दे। नव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराजी जाने दे, पीड़ पराजी जाने दे, पीड़ पराजी जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वयं रचयिता भी थे, उन्होंने स्वर रचना किया हुआ उनका बहुत ही प्रिय भजन प्रस्तुत है पंडित विनायक राव पटवर्धन जी की आवाज में। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की
कीटे का हमारी लाज राखो गिरधारी अब कीटे का हमारी अब की विष्णु दिगंबर पलुस्कर परंपरा इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे सुपरिचित शास्त्रीय गायक डॉक्टर विद्याधर व्यास। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। I'm not a